जय श्री राम। आप सब जनों के लाने आरती खुशी की राम राम पहुंच जावे। और आप सब के लाने लेके आए हैं एक अच्छी जानकारी गुरुदेव से जुड़ी। भैया ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से जुड़ी हुई जानकारी है जो उनकी शादी से लेके है। और रायपुर में कथा के दौरान भी एक इंटरव्यू में खास बातें करी हैं। तो कौन सी लड़की हुई है शादी के लाने भी सब उनने गुरुदेव ने बताई है। तो आज आप और वीडियो में देखियो, वीडियो में बने रहियो। और आप और जेने सोचियो कि हम गुरुदेव की शादी के बारे में क्या बोलत रहे थे, तो हम बोलत नहीं रहता है। जो न्यूज़ द्वारा खबरें आत रहे थे तो आप और तक हम पहुँचाते रहे थे। वैसे भी आप और हम पता ही है कि आपकी बहन की चैनल को आरती घोसी ब्लॉग नाम है, तो ब्लॉगिंग चैनल है तो ब्लॉगिंग बनाते हैं। आज हम हॉस्पिटल गए थे, बता दें आपको, हमने बोली थी एक वीडियो में कल हम हॉस्पिटल गए, तो आज हम हॉस्पिटल गए थे। लेकिन तो हमने वीडियो थोड़ा सा बना तो, लेकिन वो एडिट वगैरह नहीं करूँ मैं, बहुत टाइम लगा है, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। सच्ची बताया बहुत ज़्यादा थक गए हैं और डॉक्टर ने कहा बोली है आज, वो शायद हम आप हम वीडियो में बते हैं समय रहा हुआ है। तो कैसे वीडियो अपलोड नहीं होता हमारा, पहली बात तो ये है। और अपलोड हो भी जाए तो फिर हमें दुनिया भर के काम करने आते, एडिट वगैरह करने आते, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता हमें। ऐसी हालत में कंडीशन में हम वीडियो बना रहे हैं जो हमें बोल भी तक की हिम्मत नहीं है। और आप और वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करत, शेयर भी नहीं करत, कमेंट में जय श्री राम भी नहीं बोलत, तो हमारे लाने कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है कि बताओ यार। हमारी दीदी भैया आ रहे, इतनी हम मेहनत कर रहे हो और आप गरीब बहन के लाने सपोर्ट नहीं कर रहे। आप लोगों को लगा दिए कि हम गरीब नहीं हैं, लेकिन हम सच में दीदी भैया आ रहे बहुत गरीब हैं। हमारा खुद को घर नहीं है, सोचो हमारे खुद को घर नहीं है, हम अपने मम्मी पापा के घर में डरे हैं। तो हमसे बड़ो गरीब को ये हमारी एक टूटी टपरिया भी नहीं है, सोचो कि कितनी बुरी हालत हुई है हमारे, कि हम कैसे जी रहे हुए, वो कैसे मतलब कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हुए, कि हमारा खुद को घर नहीं है, कितनी झोपड़ी भी नहीं है और हमारे पति देव भी हमारे साथ नहीं है। आप और अंदाज़ा लगाओ कैसे लगत हुई है हमारे लाने, और ये हालत में हम अकेले हैं। आज घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अब हम जो उनकी जिम्मेदारी हैं वे भी हमारे साथ नहीं है आज ऐसी हालात में, ऐसे मौका पे। सोचो आप और कितनी परेशानी होती है हमारे लाने, अकेले हॉस्पिटल जाओ, अकेले हॉस्पिटल से आओ और ऊपर से बेटी के लाने भी संभालो। एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में दिखा रहा रामलला, अपने जो रामलला हैं, तो रामलला पल के दिखा झपका भाई नज़र आ रहे हैं। तो वीडियो की क्या सच्चाई है तो अभी अपन समझ में नहीं है, पता नहीं है, अभी हमने ज़्यादा जानकारी के बारे में लाई नहीं है, लेकिन वो में पलकें झपका रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं अपन, गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में चर्चा हो रही थी। तो गुरुदेव की शादी के बारे में खबर जा रही है, आप और बताएं रायपुर में गुरुदेव की कथा का आयोजन हो रहा है, तो 23 जनवरी से 27 जनवरी तक आयोजन होने हैं और बीच में दिव्य दरबार भी लग है। और दिव्य दरबार के चलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, मतलब भाई हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई है। तो गुरुदेव की शादी के सवाल बहुत सारे उठे हैं और एक वीडियो दीदी जी को वायरल हो, तो हमने आप और एक वीडियो बना हो जो कि हमने कल अपलोड करो, तो वो आप और देख लियो। कई चैनल पर डरो है यार, एक चैनल है हमारा, तो आप और वीडियो देख लीजियो। वीडियो में वे जो साध्वी है, साध्वी साफ तौर पर कह रही हैं कि गुरुदेव ने शादी के लाने हाँ बोल दी है, हमारे प्राणनाथ हैं। और वो तारीख बताई जो है जल्दी के कब होने हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से शादी। और जो कि गुरुदेव ने भी बोली है कि बहुत जल्दी हम घोड़ी पर चढ़वा रहे हैं। तो वे साध्वी को नाम बताओ जा रहा है, आप और हम बता दें शिवरंजनी तिवारी, जो कि है आई थी कब जून जुलाई के मध्य में सबसे ज़्यादा आई थी, जून जुलाई में कैसे भी कलश यात्रा लेके निकली थी, पैदल यात्रा यानी कलश धल लेके पैदल यात्रा निकली थी गंगोत्री से, बागेश्वर धाम पैदल यात्रा करके आई थी। और अब उन्हीं के साथ शादी की अफवाह फैल रही है, और अफवाह खबर अब भैया अफवाह हो या खबर हो, जो तो अपन भगवान जाने, भी उनकी वे जाने, गुरुदेव जाने और शिवरंजनी जाने, जो भी साध्वी है वे जाने अपन, और उनके बारे में अपन ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। भैया उनकी मर्जी, हो सका तो नहीं कि संगे शादी हो जाए, और हो भी सका तो उनके साथ न हो गए दुल्हन, तो वे उन्हें साफ तौर पे एक वीडियो वायरल करो। तो आज इंस्टा मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो आओ तो शिवरंजनी तिवारी को कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी यानी बागेश्वर धाम सरकार से जल्दी हम शादी के बंधन में बंधे पा रहे हैं बहुत जल्दी। और गुरुदेव को भी आज इंटरव्यू हुआ है, और अभी कुछ सेकेंड पहले
जो बोल रहे थे कि बहुत जल्दी हम घोड़ी चढ़े वा रहे हैं, तो भैया अभी घोड़ी चढ़े वा रहे हैं और उनके माथे सेहरा बंधे वा रहा है। बहुत अच्छी बधाई, बहुत बहुत बधाई हो गुरुदेव के लाने, जो गुरुदेव का उनको आशीर्वाद अपन मिले बहुत बड़ी बात रहे। और जो कि शिवरंजनी तिवारी जी हैं, जो गुरु माता बने वा रही हैं, अब जो खबर कहाँ तक सही है कहाँ तक झूठी, जो तो भैया बेजान है और बेजान है। ठीक है, आज की वीडियो से रंदे यार, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करियो, ठीक है, कमेंट में राम राम लिखवाना भूलिए।